बारिश से नष्ट हुई फसलों का सर्वे करने के लिए उज्जैन के नागदा और उन्हेल सर्कल के अंतर्गत एसडीएम ने 4 टीमों का गठन किया। चारों टीमों को अलग अलग क्षेत्रों में रवाना कर सोयाबीन की नष्ट फसलों का सर्वे कराया। इस दौरान फसल बीमा कंपनी एवं कृषि विभाग के स्थानीय से लेकर वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे। बारिश और मिल्ली के प्रकोप से नष्ट हो चुकी फसलों का सर्वे कराने के लिए एसडीएम आरपी वर्मा ने 4 अलग अलग टीम गठित की। इसमें 2 टीम को उन्होंने सर्कल में तो 2 को नागदा सर्कल के अलग अलग गांव में पहुंचकर नष्ट हो चुकी फसलों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए, जबकि एसडीएम वर्मा स्वयं नागदा के समीपस्थ गांव डाबरी में पहुंचे। इस दौरान एसडीएम ने बारिश के कारण धराशायी हुए मकानों का भी निरीक्षण किया। एसडीएम वर्मा के अनुसार डाबरी में सर्वे के दौरान पाया गया कि जिन खेतों में पानी भरा हुआ था वहां की फसलें पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। जिन सोयाबीन में फली अंकुरित हुई वह दोबारा अंकुरित हो गई, जिसके कारण सोयाबीन से किसानों को लागत मूल्य भी मिलना संभव नहीं है। देखिए, परसों तक तो पानी गिर रहा था, कैसा कल से पानी ने उगाड़ दिया है। तो हमारी ड्यूटी है कि एक तो अतिवृष्टि में मकान भी गिरे हैं, नुकसान हुआ है, और जो अत्यधिक नुकसान हुआ है वो सोयाबीन की फसल में हुआ है। और जो मकान गिरे हैं वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि खाने पीने की सारी चीज़ें मकान गिरने के बाद अस्त व्यस्त हो जाती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने टीमें बनाकर प्रशासनिक अमले को मैदान में उतारा है कि हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे राजस्व का अधिकारी, हमारे बीमा कंपनी के अधिकारी ये मौके पर आएँ और फसलों की स्थिति देखें। इसी तरह जैसे मैं इस गांव में आया हूं, इसी तरह मेरे तहसीलदार, नायब तहसीलदार उन्हेल क्षेत्र में, रुपेटा क्षेत्र में, यानी पूरा क्षेत्र हमने 4 दलों को दे रखा है। अपने अपने क्षेत्र में ये लोग सर्वे करेंगे और हमारा जोर रहेगा कि जो फसल बीमा है वो अतिशीघ्र उनको मिले। इस दौरान एसडीएम के साथ कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, फसल बीमा कंपनी के लोग, पटवारी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाण न्यूज, नागदा।